आज हम बयान करेंगे कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर चाय देखे या चाय को पिए, इन इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। मसलन चाय देखना, चाय पीना, चाय बनाना, चाय पकाना, चाय को तकसीम करना, चाय हाथों से गिर जाना, या दूध जो है वो चाय में डालना, इसकी क्या क्या ताबीरात हैं। इन ताबीरात के जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं ताबीरात की तरफ। ख्वाब के अंदर चाय को देखना दिली मुरादें हासिल होने की तरफ इशारा है और फतह और कामयाबी मिलने की तरफ इशारा है। ख्वाब के अंदर चाय को पीना खुशियां मिलने की तरफ इशारा है और इसके हलाल में इजाफे की अलामत है। और अगर कोई बीमार आदमी देखे तो उसको शिफा मिलने की तरफ इशारा है। ख्वाब के अंदर चाय पकाना खुशियां हासिल होने की तरफ इशारा है और राहत और सुकून मिलने की अलामत है। ख्वाब के अंदर चाय का तकसीम करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाल्लाह इस कदर रिज़्क अता फरमाएंगे जिससे गुरबा, यतामा, मसाकीन इन जैसे लोगों पर माल को खर्च करेगा। ख्वाब के अंदर किसी को चाय पिलाना आराम, राहत, सुकून और खुशी मिलने की अलामत है। ख्वाब के अंदर किसी से चाय लेना, जिससे चाय ली है उससे फ़ायदा हासिल होगा। किसी को देना, जिसको दी है उसको माली फवायद पहुंचाएगा। ख्वाब के अंदर कड़वी चाय देखना परेशानी की अलामत होती है, ऐसे साहिब ख्वाब को चाहिए कि सदका वगैरह कर दे। ख्वाब के अंदर मीठी चाय देखना या पीना कामयाबी हासिल होने की तरफ इशारा है, दिली मुरादें पूरी होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर चाय की खरीदो फरोख्त करना रिस्क हलाल में इजाफा होगा, कारोबार में तरक्की होगी। ख्वाब के अंदर चाय का गिर जाना किसी नेमत की नाकदरी की तरफ इशारा है। ख्वाब के अंदर कहवा देखना इज्जत में इजाफा होगा। ख्वाब के अंदर कहवे के अंदर दूध डालना, दूध कसीर मकदार में देखना इल्म में इजाफे की तरफ इशारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमात में फरमाया, रात मैंने ख्वाब में दूध देखा है, उसमें से पिया है, जो बच गया है मैंने उमर को दिया। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह इसकी ताबीर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी ताबीर इल्म से है। अगर आपने इसे ऐसा कोई ख्वाब देखा है उसकी ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ख्वाब लिखिए या आई बटन के अंदर प्ले लिस्ट मौजूद है, उसमें आप अपने ख्वाब को सर्च भी कर सकते हैं।